इस वीडियो में हम ईटेंडर के लिए लॉगिन आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल करके लॉगिन करना सीखेंगे। तो हमको जब भी ईटेंडर भरना होता है तो हमको पहले से ही लॉगिन आईडी पासवर्ड रेडी रखना होता है और डीएससी को इंसर्ट कर लेना होता है। तो मैंने साइट को ओपन कर लिया है और उसके बाद मैंने कॉन्ट्रेक्टर की लॉगिन आईडी और पासवर्ड भी यहाँ पे टाइप कर लिया है, जिससे मैं कॉपी पेस्ट करके लॉगिन आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल कर सकता हूँ।